साथ जुड़ ही चुकी है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी। मैं स्नेहलता शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ, और हमारे चारों ओर एक बहुत ही भयानक महामारी फैली हुई है, और इस दौरान आप लोगों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए मैं कुछ वीडियो लेकर आ रही हूँ, और आगे भी मैं मेरे कई हायर स्टैंडर्ड के वीडियो आती रहेंगी, और तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जिससे कि अधिक से अधिक छात्र इससे लाभान्वित हो सके। तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन आईज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मानव नेत्र की संरचना तथा कार्य, इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो मानव का जो नेत्र है वह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बिना नेत्र के जो ये सुंदर संसार है वो हम आंख के माध्यम से ही देख सकते हैं, तो आंख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो जाता है, और इसके बारे में हम समझते हैं कि इसकी क्या संरचना होती है और क्या कार्य होते हैं। तो जो हमारा नेत्र है या मानव का नेत्र है वो बॉल के आकार का गोलाकार होता है, और इसका जो व्यास होता है वो 2.3 डायमीटर होता है। तो इसका जो संरचना है, सबसे पहले मैं संरचना के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो इसका सबसे जो बाहरी पार्ट होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये जो पार्ट है ये है आपका कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होता है, और जो हमारा नेत्र है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे जो आउटर लेयर होती है ये व्हाइट कलर की होती है, इसको कहते हैं स्क्लेरोटिक या दृढ़ पटल। सेकंड जो लेयर होती है उसको कहते हैं कोरोइड या रक्तक पटल। ये बीच की जो मैंने कलर्ड बनाई है, ये बीच वाली लेयर, ये है कोरोइड या रक्तक पटल। इसको रक्तक पटल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स रहती है, और जो ब्लड का सर्कुलेशन या रक्त का संचार है वो इसी हमारे नेत्र में इसी परत के द्वारा होता है। जो तीसरी लेयर होती है, थर्ड सबसे इनर लेयर होती है या आंतरिक परत होती है, इसको कहते हैं रेटिना। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाई हुई है ये है आपकी रेटिना। तो जो चित्र बनता है या हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिस वस्तु को हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना दो प्रकार की सेल से बनकर बना होता है। पहला होता है रेटिना का रॉड्स, और दूसरी होती है कॉन्स। रॉड्स जो होती है वो अंधेरे में देखने में अंधेरे में हमें दिखाई देता है इनके माध्यम से, और जो कॉन्स होते हैं या इनको शंकु भी कहते हैं, ये रंग डिफ्रेंसिएशन या कलर का ज्ञान हमें कराती है कि कोई भी वस्तु हरे कलर की है, लाल कलर की है या सफेद कलर की है। ये हो गया। अब हम तीसरा इसमें देखते हैं, ये है आपकी आयरिस। ये जो संरचना हमने बनाई हुई है ये है आयरिस। तो आयरिस होती है जो आई कलर को निर्धारित करती है, जो हमारी आंख का कलर। कई लोगों में आपने देखा होगा किसी की आंख का कलर नीला है, किसी का भूरा है, तो ये आयरिस के कलर के आधार पर ही निर्धारित होता है। और तीसरा है प्यूपिल। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र होता है कॉर्निया के आगे, इसको प्यूपिल कहते हैं। इसके आगे होता है लेंस। लेंस होता है, ये उत्तर लेंस होता है जो हमारा, और जो लेंस है ये सिलियरी मसल्स के द्वारा ही जुड़ा होता है। ये होती है सिलियरी मसल्स। तो ये लचीली होती है, सिकुड़ती और फैलती रहती है, और लेंस को एडजस्ट करती रहती है। और यहाँ पर जो लेंस के पहले का जो भाग होता है, यहाँ पर एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है या द्रव भरा होता है, जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, या जलीय द्रव, ठीक है। और इसके पीछे, जो लेंस के पीछे एक द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर या काचा द्रय द्रव। ये जेली लाइक होता है, जेली के सदृश होता है। और इसके बाद रेटिना पर एक बिंदु होता है जहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा सबसे ज्यादा स्पष्ट बनता है, इसको कहते हैं येलो स्पॉट या फोविया, या इसको पीत बिंदु भी कहते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स निकल जाती है, यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसको अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता, यहाँ पर प्रकाश नहीं जाता, ठीक है। इसके ये तो आपका हो गया नेत्र की संरचना, ठीक है। नेत्र की संरचना आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और इसके बाद में
इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे, ये किस तरह से कार्य करता है, फंक्शन ऑफ आईज या फिजियोलॉजी ऑफ आईज। तो क्या क्या होता है इसके फंक्शन को समझने के लिए, जब प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर आपतित होती हैं, कोई भी प्रकाश है तो इसमें जब आपतित होती है कॉर्निया पर तो प्यूपिल के माध्यम से ये अंदर जाती है और लेंस पर पड़ती है। तो जो लेंस होता है हमारा ये सिलियरी मसल्स के द्वारा भी अटैच रहता है। जो हमारा नेत्र है या मानव नेत्र है ये कैमरे की तरह कार्य करता है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जाकर रेटिना पर पड़ती है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है हमारा वो वास्तविक और उल्टा बनता है। और रेटिना से ऑप्टिक नर्व से जाती है, वो ब्रेन को संदेश देती है और ब्रेन या मस्तिष्क जो होता है वो इस प्रतिबिंब को सीधे का आभास दे करवाता है और हमें प्रतिबिंब या कोई भी चित्र सीधा दिखाई देता है। ठीक है, ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं इनका कार्य होता है लेंस को एडजस्ट करना। आपने देखा होगा जब हम अचानक अंधेरे में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा कोई भी वस्तु को देखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, या अचानक तेज प्रकाश में आ जाते हैं, इसको कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। तो नेत्र की समंजन क्षमता किस तरह से होती है कि जो सिलियरी मसल्स होती हैं हमारी जिससे लेंस लगा होता है, तो इसमें क्या होता है जब ये शिथिलन होता है इनमें, तो जो हमारा लेंस होता है वो पतला हो जाता है और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। और दूसरा होता है जब पास की वस्तु देखने के लिए जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है और लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाता है और कर्व्ड हो जाता है और हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। इसी को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहती है। ठीक है, अब इसके बाद वो कौन सी दूरी निर्धारित दूरी है जिस पर नेत्र हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो 25 सेंटीमीटर पर कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। यदि 25 सेंटीमीटर से हम अधिक पास अपनी आंखों के पास किसी भी वस्तु को रखेंगे तो हमें बड़ी स्पष्ट नहीं दिखाई देगी बल्कि बहुत ज्यादा आंखों पर जोर पड़ेगा। तो एक निर्धारित जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर ही होती है। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको नेत्र से संबंधित कुछ दोष, जो लेंस में कुछ दोष हो जाते हैं जिसे कुछ जैसे निकट दृष्टि दोष है या दूरदृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया है, इसके बारे में आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगी। और इस टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए।